हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मटर को छिलकों से किस तरह से अलग करें और इन्हें स्टोर किस तरह से करें ताकि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहें। इसके लिए मैंने यहाँ वाटर लिया है, हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये है हमारी मटर की फलियाँ। अब ये बॉयल वाटर में इन मटर की फलियों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये फलियों से दाने अलग हो जाएंगे, इजीली अलग होंगे। आप एक बार प्रेस करोगे और दाने अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम सभी दानों को अलग कर लेंगे। अब इसे सुखा कर स्टोर कर सकते हैं पॉलिथीन बैग में। थैंक यू।